26/11/2000 के उस दिन हमने बच्चे को क्लास लेने गई थी, घर से निकली थी, ट्यूशन क्लास लेते थे, ट्यूशन क्लास लेकर मैं वापस आ रही थी, सामने टैक्सी आई तो मुझे वो टैक्सी में बैठना था। जैसे मैं टैक्सी में बैठी, दो पैसेंजर महिला थी वो उतरे, और जैसे मैं अपना ये बायां पैर उठाई, लेफ्ट पैर उठाई अंदर जाने के लिए, इतने में धमाका हो गया। इतना ज़ोरदार धमाका हुआ, इतना तेज़ हुआ कि उसे आग का सोले में से उठा के मुझे 20 फुट दूर फेंक दिया। बहुत तेज़ फेंका मुझे, और वो दोनों महिला पता नहीं कहाँ गई, वो ड्राइवर, और हमने जब वहाँ पर 20 फुट आगे गिरे और हमारे बदन से पूरे खून के फव्वारे निकल रहे थे, मैं नीचे गिर गई। मुझे ये चिल्ला रही कि मुझे कोई बचाओ, अफरा तफरी, वो काली रात को वो धुआं के आगोश में सब कुछ था, नज़र नहीं आ रहा था कि उस टाइम क्या हुआ। पूरे बॉडी से खून का फव्वारा, मैं चिल्ला रही प्लीज़ कोई आए आगे, हमें बचाए उठाए, लेकिन उस काली रात में कोई किसी को हेल्प करने आगे नहीं आ रहा था। जब धुआं थोड़ा हटा, उस धुआं हटने के बाद में मुझे वो यहाँ गेट पे कोई बंदे ले उठा के, हमारा लड़का वहाँ पर मौजूद था, उससे पहले मुझे जैजे में लेकर आए। जैजे में हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, मैं 20-22 दिन तक हमें वहाँ पर ऐसे सलाई के ऊपर रख दिए। कुल मिलाकर के हमने 6 ऑपरेशन किए, हमारा पैसा 8-10-12 लाख से ऊपर खर्चा हुआ। उस वक्त सोनिया गांधी जैजे अस्पताल का दौरा जब था, जब ही उस टाइम पर आई थी सोनिया गांधी जी आई थी, प्रतिभा पटेल आई थी, सारे मनमोहन सिंह आए थे, सारे अधिकारी उस टाइम में 26/11 के दिन आए थे मिलने के लिए। उन्होंने आश्वासन भी ये दिए थे कि जितने विक्टिम हैं सरकारी अस्पताल का सुविधा देंगे, प्राइवेट का देंगे, लेकिन ये सब झूठ हुआ। हमने हमारा 1 ऑपरेशन हुआ वहाँ पर, बाकी 5 ऑपरेशन हमने अपना प्राइवेट में किए। आज तक मुझे मेरा मुआवजे नहीं मिला है, ना मेरा बिल का पैसा मिला हुआ है। अब मैं वही चाहती हूँ कि सन 2000 26/11 अब 8 साल हो गया है, सरकार मुझे अब जवाब दें। हम पढ़ाते थे, अपने फैमिली में बहुत खुश थे, अपने हस्बैंड की मदद करते थे, हमारे 10,000 रुपया कमा लेते थे। आज हमारी सब पैरों के नीचे सारी खुशियाँ दबी हुई है, आज मेरे बेबसी लाचारी के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी पहले के जैसा ही पढ़ाना चाहती हूँ, और हौसला भी है मुझे पढ़ाने का, और मैं चाहती हूँ कोई बंदा या कोई हमारा सरकार हमें मुझे मदद करे, थोड़ा सा जगह या दुकान मुझे दिलाए। मैं पहले के जैसा अपने बच्चों को, पूरे बच्चे में 40 बच्चे पहले थे, इस वक्त 40 बच्चे नहीं मैं ले पा रही हूँ। मैं ज़्यादा समय बैठ नहीं पाती हूँ, ये पीठ के हड्डी में गैप जो है, और इस वक्त हमारे पास 8-10 बच्चे आते हैं नाइट में, समाज सेवक का काम करूं। मेरा यही सोच बचपन से है कि मैदान में जाऊं और मैं समाज सेवक का काम करूं। मुझे पैसे की ज़्यादा ये नहीं थी कि मुझे पैसा चाहिए, और अभी भी मैं पैसे की ज़्यादा नहीं, सिर्फ नेक काम के लिए मैं जाना चाहती हूं कि मुझे नेक काम के लिए मुझे हौसला और हिम्मत है।